हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं खिरोद, टेक्निकल मोटिवेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है हमारे लिए, बट इस फेस्टिवल में हम कुछ चीज़ों को अगर याद रख के उसको इम्प्लीमेंट करें तो ये और भी बहुत बढ़िया बन जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो दिवाली को चार चांद लगा देगा। सबसे पहले हम ये तय करें कि इस बार दिवाली में हम पटाखा ना जलाएं, बिल्कुल ही ना जलाएं। बट ऐसा है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी बच्चे या बुजुर्ग जो भी अगर कुछ बोलते हैं कि हाँ पटाखे जलाना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पिछले साल अगर आपने 5000 का पटाखे जलाया था तो इस साल एटलीस्ट 500 तक ले आइए। तो उससे हमारा एक संकल्प ये हो जाएगा कि हम ग्रीन दिवाली मना रहे हैं और दियो के साथ। आप जितने दिए लगाना है लगाइए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी पटाखों में पैसा वेस्ट हो रहा था और पटाखों में खर्च कर रहे थे, उस पैसे को आप किसी गरीब और नीडी बंदे को दे दीजिए जिसको ज़रूरत है। उसको मिठाई खिला लीजिए, उसके लिए कपड़े दे दीजिए, उसके लिए किताबें दे दीजिए, उसके लिए खिलौना दे दीजिए, वो हर चीज़ उसको दीजिए जिससे उसके मुंह में थोड़ा सा स्माइल आ जाए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे हम सोशल मीडिया में बस शेयर करते रहते हैं और विश करते रहते हैं। जैसे मैं आज सुबह उठा और सुबह से अभी तक 2 घंटे तक बस मैं रिप्लाई करता रहा फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, ये सारे। ये तो हम रोज़ करते हैं दोस्तों, तो दिवाली में हम क्या करें। दिवाली में एटलीस्ट फ़ोन को थोड़ा सा विराम दीजिए और दिवाली हर उन दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ मनाएं, उनसे बात करें, उनकी सुख दुख में हिस्सेदारी बने, हर किसी से मिले, हाथ मिलाए, गले मिले, उससे आपकी दिवाली चौगुना हो जाएगा। चौथी बात यह है दोस्तों कि आज के दिन या आज से लगभग पूरे इस महीने के एंड तक हम एक पेड़ लगा सकते हैं अपनी फैमिली के नाम पे। उससे क्या होगा, हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तरफ, कि हम पूरे पर्यावरण को ग्रीन कर सकते हैं। पहले हमने पटाखे नहीं जलाया, अभी भी देख रहे हो पीछे से आवाज़ें आ रही है। ये मैं शूट कर रहा हूँ 12वीं मंजिल से जहाँ पे मैं रहता हूँ। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा आप मानना चाहते हो। मैं जितने भी पॉइंट्स आज आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से अगर आप एक भी पॉइंट फॉलो करते हो तो ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट होगी दिवाली के लिए। दिवाली तो हमें सब कुछ देते हैं, बट दिवाली को हम क्या देते हैं। एक एड भी आता होगा, आपने देखा होगा कि दिवाली को हम क्या दे सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आज के दिन या पूरे इस महीने अगर आप किसी के साथ बैर हैं या किसी के साथ झगड़ा किया हुआ था, अभी बहुत दिनों से बात नहीं है, मैं भी 1 साल 2 साल 10 साल से, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम उसके साथ फिर से रिलेशन कायम करें। क्या हो गया, अगर वो हमें कॉल नहीं करते, वो हमें पूछते नहीं है, कोई बात नहीं है, आप शुरुआत तो करो। ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है कि आप दिवाली को 10 गुना तक एंजॉय कर सकते हो। दिवाली सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पटाखे जला के दूसरों को दिखाएं कि हमने इतने पटाखे जलाया, नहीं, दिवाली इसलिए है कि हम रिलेशन को मजबूत करें, रिलेशन बिल्ड करें। तो ये था मेरा आज का कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हर किसी को ये मैसेज दीजिए, ना कि एक इमेज पे लिखा होगा हैप्पी दिवाली टू योर विश टू विश यू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ब्ला 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 ब्ला। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ संदेश लिखना चाहते हो जिससे दिवाली बेटर हो सकता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करवाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।